झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। इसी बात को ध्यान में रख पार्टी का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन आज राजधानी रांची में आयोजित किया जा रहा है। इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भारी तादाद में रांची के सोराई भवन पहुंचे। इस महाधिवेशन में पार्टी की नई केंद्रीय समिति की घोषणा होने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पार्टी की तमाम इकाइयों के पुनर्गठन करने की कवायद भी होगी। इसी कड़ी में जहां केंद्रीय समिति का फिर से गठन होगा, वहीं जिला कमेटियों का भी नए सिरे से विस्तार दिया जा सकता है। इसके तहत कमेटियों को भंग कर तदर्थ तौर पर संयोजक मंडली का गठन किया गया है। महाधिवेशन में केंद्रीय समिति के गठन की घोषणा भी की जा सकती है। और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी नजर आ रही है। अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। महाधिवेशन में ओडिशा, बंगाल, बिहार सहित दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर और ये भीड़ देखिए, हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, उनके साथ शिबू सोरेन भी हैं, साथ ही जेएमएम के कार्यकर्ता समर्थक भी मौजूद हैं और कई राज्यों से डेलीगेट्स भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 12वां केंद्रीय महाधिवेशन 3 साल पर इसका आयोजन होता है और राजधानी रांची में यह आयोजन किया जा रहा है, 12वां केंद्रीय महाधिवेशन। और इसमें कई नेता और कार्यकर्ता भारी तादाद में रांची के सोहराई भवन पहुंचे हैं। सोहराई भवन की तस्वीर। इस महाधिवेशन में पार्टी की नई केंद्रीय समिति की घोषणा होने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पार्टी की तमाम इकाइयों के पुनर्गठन करने की कवायद भी होगी। इस कड़ी में केंद्रीय समिति का फिर से गठन होगा। वहीं जिला कमेटियों का भी नए सिरे से विस्तार दिया जा सकता है। इसके तहत कमेटियों को भंग कर तदर्थ तौर पर संयोजक मंडली का गठन किया गया है। महाधिवेशन में केंद्रीय समिति के गठन की घोषणा भी की जा सकती है। इसके लिए पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। महाधिवेशन में ओडिशा, बंगाल, बिहार सहित दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर, जेएमएम अपनी मजबूती झारखंड के साथ साथ और भी कुछ राज्यों में चाहता है और इसको लेकर के दूसरे राज्यों के लिए भी टास्क दिया जाएगा। कई राजनीतिक प्रस्ताव जो हैं वो भी पारित किया जाएगा।